अब कौन था? मेरे ससुर एक्स। ओ धमकियां दे रहे थे। जाहिर है गले तो लगाने से रहे, अब क्या करें? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लाख रुपए हफ्ते का बहुत होता है, बॉडीगार्ड रख लेंगे। बड़े बड़े साफियों को ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं। ठीक कह रहे, खाली धमकियां हैं। मजा बहुत आ रहा है सबको ऐसे तड़पता हुआ देखने में। भाई आपका तीर निशाने पे लगा है, हिम्मत कीजिए और तीसरी किस्त भी लिख डालिए। हैं? ये कहाँ नहीं आया? तुमने जाहरा की किताब का कहा था, पहले मैंने सोचा वो निपटा लूं, और वैसे भी आज धूप निकल आई है। तो हो सकता है कि कल वही मौसम, वही बादल, वही बताए, मैं और तुम लंबा सफर अनजाने लगा। बस रहने दे, अच्छी तरह से जानती हूँ आपकी बेगम आ रही है आज, इसलिए जा रही। अरे नहीं जान, तुम्हारे सरे अजीज की कसम, वो मगरूर औरत, उसे तो सिर्फ अपने पैसे का गुर्र है। इसी सिलसिले में अपनी माँ के घर गई है, और जब तक वो सिलसिला खत्म नहीं होता वो वापस आने वाली नहीं है। सच? सच। अगर अब भी शक है तो रात देर तक रुक कर देख लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओहो भाई, जहरा को बुला लो, दोनों सहेलियां बैठकर बातें करते रहना, और जब तक मैं किताब के टाइटल पे काम कर लूंगा। आइडिया बुरा नहीं है, खुद अपनी आंखों से देख लेना। जब रात होती है तो मेरे घर पे कैसी तबाही छा जाती है, चांदनी का दर्द गुबार होता है। मैं और मेरी तनाई, रिश्ता बहुत तना हूं मैं, बहुत तना। अब मैं हूं ना आपकी जिंदगी में, फिर कैसे तनाई? अगिला बीवी, अब आप वापस आ जाएं। अरे उनको तो साहब ने निकाल दिया है। वो तो अपना सामान भी लेकर चली गई हैं, लेकिन अब वो हुसना असली वो रोज आ जाती हैं। आप आ जाएंगी ना तो फिर वो नहीं आएंगी। मैं तो यही कहूंगा बीबी जी, आप अपना घर खाली ना छोड़ें। अनी चली गई है? जरियाब ने निकाला, आपको कैसे पता है मिराज भाई? वो जाने से पहले किसी रिजवी साहब से ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। जरियाब साहब बहुत कमजोरफ हैं, फलाना ढिमकाना, उसी वक्त कह रही थी कि साहब ने कहा है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। हो है हुआ। अरे हुसना, तुम तो उधार की रोशनी है, चल लम्हों के लिए मिलती हो, आंखें फिरा करती हो मेरी, और फिर वही तन्हाई, वही अंधेरा। अगर ये रोशनी आपके घर में ही उतर आए तो? फिर मैं उस जुगनू को अपनी मुट्ठी में बंद कर लूंगा। जब रात की तन्हाई मेरा गला दबाने आएगी तो उस जुगनू की रोशनी से डर कर भाग जाएगी। तो फिर अपनी तन्हाई से कह दें कि दूर भाग जाए, फिर हम भी कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएंगे, जैसे टोरंटो। Thank you.
लड़कियां भी कितनी मासूम होती हैं, वो भी उर्दू अदब पढ़ने वाली, इनके ख्वाब बस यहीं तक हो गए। वो जो लड़की है ना, क्या नाम है इसका, हुसना हसनी, वो बहुत ही ढीठ है साहब, उसके बहुत आगे पीछे फिरते हैं। आप बस घर का ध्यान रखें महराज भाई, देखिएगा ये हुसनी कुछ चुरा ना ले। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह हिदायत देगा हमारे साहब को। बेगम साहिबा, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। खुदा हाफिज़ महराज भाई। कब तक निभाए बुत नाशना के साथ, कीजे वफा कहां तलक उस बेवफा के साथ। हम स्लीप ओवर करेंगे ज़रियाब साहब के यहाँ, तुम्हारी किताब का भी काम हो जाएगा, बस तुम अपनी अम्मी को मत बताना वरना मना कर देंगी वो। मामा, हुसना ने स्लीप ओवर पर बुलाया है, चली जाऊँ? कहाँ उसके घर, और कहाँ जाऊँगी? इतनी तेज़ लड़की है, कुछ भी कर सकती है, अल्लाह बचाए ऐसी लड़कियों से। मामा एक ही तो सहेली है मेरी, और कितना ख्याल करती है वो मेरा। उसने अहमद ज़रियाब से कह के आज किताब के सारे मामला जो हैं वो फाइनलाइज करने को बोला है। तुम दोनों की स्लीप ओवर में अहमद ज़रियाब का क्या जिक्र? अरे मामा, वो तो इतने बड़े आदमी हैं, वो हम जूनियर्स के स्लीप ओवर में कहाँ से आएंगे? बस इतना होगा कि हम उन्हें कॉल करेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारी शायरी पर रिव्यू लिख दें। मामा आपको पता तो है हुसना उनसे हर बात मनवा लेती है। कल से काफ़ी बयान दे चुकी हो, बस एक बात याद रखो, तुमने सिर्फ अपनी किताब छपवानी है और मशहूर होना है, हुसना की तरह उनका तुम छल्ला नहीं बनना। हाँ माँ, आप फिक्र नहीं करें, इजाज़त दे दें। तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर रही हो तो मैं कैसे पीछे रह सकती। ठीक है, चली जाओ। क्यों? आफाकी साहब, पैसे आने वाले हैं पैनी साहिबा के, और फिर बड़ी बरकत होने वाली, दूसरी किस्त वायरल होने के बाद तहलका मच गया है, तहलका है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। जब वो मुझ पर शक करता था, मेरा दम घूंट के रखता था, तब तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और अब सारे खानदान को कैसे तकलीफ हो रही है। पैनी साहिबा, इस वक्त तुम तीनों ही हैं, बाहर वाला कोई नहीं है, ईमानदारी से बताइए ये सब कुछ सच है क्या? हिम्मत है तुम में मेरा सच सुनने की? क्यों नहीं? हाँ, ये सब सच है, तभी तो सारा खानदान बिलबिला रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ला कर देने वाली जुल्फिकार की भाभी थी, मिनिस्टर से ठेका मंजूर करवाने वाली उसकी बहन, और आज की किस्त में जिनका जिक्र है वो मेरी सास यानी जुल्फिकार की माँ। और ये बात दरियाब साहब को बुरी लगी? अब रहने दीजिए, ये सारी आपकी मेहरबानियाँ हैं। क्या? अब आप जो हर वक्त मुझसे पैसे मांगते थे, कहाँ से ला कर देती मैं वो? जाहिर है चोरियां करनी पड़ी। मैंने कब भाई, मैंने कब मांगे पैसे? आप ना ये बकवास रहने दीजिए आफाकी, अब जब हम तीनों एक दूसरे के सामने खुल चुके हैं तो फिर ये किस किस्म की अदाकारी, इस ड्रामेबाजी का क्या फायदा? जी, और वैसे भी मुझे अंदाजा था। अल्लाह, देखा, यही कहते थे ये कि मैं वो इंजेक्शन दांत के दर्द के लिए लगवाता हूँ, उससे दिमाग सुन हो जाता है, इंसान हल्का महसूस करता है, और मुझे भी लगवा दिया। तो जुल्फकार साहब के सारे पैसे यहाँ जाते थे,
इसीलिए वो नाराज रहता था। उसके पैसे भी बड़े कोई सीधे तरीके से आते थे ना, उसके भी यही पैसे थे, इजी कम इजी गो। और जरियाब के यहाँ चोरी करने की वजह भी यही थी। खैर अब तो हफ्ते के 1,00,000 रुपए मिलेंगे। पता नहीं खुद कितने पैसे कमा रहा होगा वो ब्लैकमेलर। तो आप ये सिलसिला जारी रखेंगी? शरियार तुम ना कभी कभी मुझे मेरी फुप्पो की तरह लगते हो। बहुत जल्दी मर गई थी वो। तुम जैसे लोग ना सादा नहीं जीते, फजूल में नसीहतें करने वाले। अच्छा तो आप बच जाएंगे? हाँ कोई बचा है कभी? इधर आ जाए। क्या यार भैया, ये गोली है। अरे हाँ गोली है भाई, रुके। देख के जाइएगा। अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो ज्वाइन कर सकता हूं आप लोगों को? ज्वाइन तो कर ही लिया आपने, क्या बुरा बना है? परेशान नजर आ रहे हैं के? काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पैनी साहिबा को यू आसरा देकर बेसहारा नहीं करना चाहिए था आपको, और घर से भी निकाल दिया। तो आपने तो पनाह दे दी ना अहमद जरियाब साहब। गोली चली है मेरे फ्लैट पर, गोली। वो तो चलनी थी, जो रास्ता आप दोनों ने उन्हें दिखाया उसका अंजाम यही था। उस गली तक उन्हें किसने पहुंचाया था? आपने जरियाब साहब। और वो तो दूध पीती बच्ची थी ना, जो मैं कहता क्या वो करती रही। आप लोग पैनी साहिबा को ठीक क्यों बोल रहे हैं? क्या गोली लग गई है क्या उन्हें? किसी को गोली नहीं लगी है, अभी सिर्फ धमकी आई है, धमकी। मैंने उन्हें सिर्फ सहारा दिया था, वो अपने घर से खुद निकल कर गई थी, बल्कि उनके शौहर ने निकाला था। पहले आपने उन्हें उकसाया था कि वो अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर इन सब में आ जाएं। क्योंकि आप दोनों ने उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ के पैसे लेना शुरू कर दिए थे, चोरियां तक तो करवा रहे थे आप उनसे। परेशान है वो और बहुत ज्यादा खौफजदा है। उनसे इतना फायदा उठा है तो मुश्किलें भी फेस करेगा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह पीछे हट जाएंगे। जी जमाने भर की अकल तो आपकी इस पिच की भी खोपड़ी में है ना। हुस्ना को भी उल्टे सीधे रास्ते आपने दिखाए, शुक्र है कि मैं मिल गया इन्हें, अकल आ गई इन्हें। ये सारी बातें छोड़िए, आपकी पुलिस में जान पहचान है ना, उन्हें सिक्योरिटी दिलवाइए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं आप उन्हें अपने घर ले जाइए, वो महफूज तो रहेंगी। पहले आप उनसे वादा करें कि वो रुस्तम साहब के बारे में कोई उल्टी सीधी बातें नहीं लिखेंगी, फिर सोचा जा सकता है। तो उनकी आमदन का जरिया क्या रहेगा फिर? आप दोनों उनका पीछा छोड़ दें, अफाकी और आप, तो दो वक्त की रोटी मिल जाएगी उन्हें। अच्छा तो गोया आपने फैसला कर लिया है कि आप मदद नहीं करेंगे। जी मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता। देख लिया शेरियार,
ये है इनकी असलियत। पैनी साहिबा का क्या होगा? अब पैनी जाने मैं क्या कह सकता हूं। यहाँ देखे, इधर देखे। तो ये क्या कर रही हो? देखिए अच्छी आई है ना, इंस्टाग्राम पे लगा दो। हाँ वो तो है, मगर अदीला लगा दो। जानती हो कि बहुत लोग आपको पहचानते हैं, पर चाहने वालों की कमी मेरे पास भी नहीं है। अच्छा दिखाओ ना कैसी है। मिचकिन लगे आ जाओ, जहारा की तरफ जाना है। बाजी जहारा उनकी तरफ जा रही हो? हाँ हाँ, पक्की पक्की बाजी बना लो। जहारा की बच्ची की किताब छप रही है, बहुत काम है आज। बाजी जहारा की तरफ ही जाना है या आगे भी कहीं जाना है? बताया ना जहारा की तरफ जा रही, देर हो जाएगी। खाला को बता दिया? मेरी जिम्मेदारी उन्होंने तुम्हें सौंपी है ना, तुम्हें बता दिया काफी। अब अगर तुम्हें जाकर मोहल्लेदारों की इजाजत लेनी है तो वो तुम्हारी मर्जी। उसना अभी हमारा रिश्ता, मेरा मतलब है अभी भी तुम उन्हीं की बेटी हो। हाँ उनकी बेटी और हमेशा उन्हीं की बेटी रहूंगी। लेकिन मैं किसी से इजाजत नहीं लूंगी, पहले भी तुमसे कहा था, दोबारा कह रही हूं, सुन रहे हो ना तुम? उसना क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। उसना अरे पीछे हटो ना यार। तुम इधर दाल चुपती रह जाना, और वो लड़की सबको तिगनी का नाच नचा के दम लेगी। चाजो, तुम्हारे भाई और परवेज उसके साथ मिले हुए, मैं क्या कह सकती हूँ? ठीक है, मर्जी तुम्हारी। बहुत ही डरपोक हो तुम, चलो उठो सामान उठाओ, जहारा की तरफ छोड़ के आओ। दरवाजे पे ही छोड़ देना, वापसी पे वो छोड़ देगी। चलो उठो, चलो चलो आ जाओ जल्दी से, देर हो रही है। परवेज एक बात बोलूं, मानोगे? हाँ कहो। मानोगे तो कहूंगी। मानूंगा ना, कहो। तुम ना अपना एक घर बना लो, इस इलाके से कहीं दूर, साफ सुथरी कॉलोनी, जहां तुम्हारा अपना लॉन हो, पोर्च हो, और एक अलग से ड्राइंग रूम हो। पर वहां पे ना तुम्हारे खाला खालू और ये छाजो बाजी ना इनकी इंटरफेरेंस ना। एक बात बताऊं, मैंने ना प्लॉट ले लिया है,
काला को दिखाया था। वाकई? कसम से। काला ने तो सौ बातें सुनाई, लेकिन मुझे मालूम है ना कि तुम्हें इस मोहल्ले में नहीं रहना, इसलिए लिया। कल ही? कल नहीं, परसों। परसों मैं तुम्हारे साथ प्लॉट देखने जा रही हूँ। मैं तो इतने दिनों से कह रहा था तो चलो, लेकिन तुम ही मुझे। हाँ मैं ही, अब मैं ही कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ प्लॉट देखने चलूंगी और तुम अपना घर शुरू करो परवेज। हमारा घर? चुप रहो। तुम्हें पता है इसीलिए मैंने वक्त लिया, अगर हमारी मंगनी हो जाती ना तो अम्मी हमारी जल्द अज जल्द शादी करके हमें उसी डरबे में बंद कर देती। ये जो मोहल्ला है ना, कुटन ज्यादा गलियां यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ मैं। थोड़ी गर्म डाल। अब तुम जाओ शाबाश, जाके अपने खाला खालू से अच्छा सा बहाना बनाओ, बल्कि बेशक सच्ची बोल रहे। तुम चली जाओगी? हाँ हाँ चली जाऊंगी, तुम निकलो ना। जाओ। जहाँ तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं ऊपर नहीं आ सकती। जल्दी करो, देर हो रही है। बासुन, उसी के पास छोड़ के आए। किसके पास? वो पैनिक अटैक वाला बाबा अहमद ज़रियाब। नहीं नहीं, वो जहांआरा का कोई काम करना था तो उसकी किताब छपनी थी। बात सुन, मैंने तुझे सारी कहानी सुनाई, अपनी अहमद ज़रियाब की, अदीला रक्षंदा ताबिंदा की, तो नहीं माना ना, बनवा लिया अपना तमाशा, मजा आ गया, मिल गया सुकून। चाजो बाजी, वो तो किस्मत में ही ऐसे लिखा हुआ था। किस्मत? बेवकूफी है तेरी। मेरी अगर वक्त पे शादी और औलाद हो गई होती ना तो तेरे जैसा एक बेवकूफ बेटा होता, उसे ये बेवकूफी नहीं करने देती मैं। चाजो बाजी, बात सुन, ये जो लड़की तुझ पे फिर से डोरे डाल रही है ना, किसी की सखी नहीं। उसकी आंखों में देखा है, यहाँ सफेद हिस्से पे काले रंग का दिल। बहुत मक्कार होते हैं ऐसे लोग। जी शाजु बाजी। मेरे सामने जीजे करते रहे। देख परवेज, मुझे बड़ा दुख होगा जब ये लड़की तुझे फिर से धोखा देगी। अहमद ज़रियाब वो मकड़ा है जिसके जाल में से आज तक कोई मक्खी आजाद नहीं हुई। भाई लो भाई, अच्छी तरह देख लो, कोने खुदरों में कोई भी दीवार पे किसी को मक्खी बना के कहीं नहीं चिपका के रखा है। आप कम से कम झूठ तो नहीं बोलते, जो है सामने है। अजराए हमदर्दी रखा था पैनी को, अब घर खाली है और अपनी मालकन का इंतजार कर रहा है। अदीला
और कितनी मिन्नतें करवाओगी? मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई और पैनी बैठकर घर में नहीं पिएगी। मैं मिन्नतें करवाने के लिए नहीं गई थी, जैसे खुद ही गई थी खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी मेरे साथ मुस्तकिल रह रहकर एहसास कमतरी होता होगा। अच्छा है, अपने जैसों के साथ रहोगी तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। कोई बात नहीं, होता है भाई। और कुछ नहीं, मेरे जैसे बंदे के साथ रहने के लिए शख्सियत तो अच्छी होगा। चलो भाई, घर देख लिया ना तुमने, तसल्ली हो गई? आज मैं जरा जल्दी सोऊंगा, बहुत थका हुआ हूं। खुदा हाफिज़। क्या बैठी हुई हो, उठो, इसको उधर करना है। उठो उठो, क्या करेंगे, खिसका के? अरे भाई जगह अच्छी है, फ्रेम अच्छा बनाएंगे ना, पकड़ो वहां से। भारी है थोड़ा सा। आय हाय, बस बस बस, हाँ यहाँ पे अच्छा लगेगा, फ्रेम अच्छा होना चाहिए, जगह भी अच्छी है, और फिर तैयार भी होना है हमें। तैयार होना? हाँ, ऐसे थोड़ी जाएंगी इतनी बुरी हालत में। कपड़े लेकर आई हूँ मैं, तुम्हें भी तैयार कर दूंगी। कपड़े तो मैं भी लेकर आई हूँ, लेकिन चेंज ही करेंगे। क्या घर जाओगी? घर जाने का वक्त है। और बताओ, वो गजल देख ली है ना जो पढ़नी? अरे भाई ये क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर में हम लोग सोशल मीडिया पे लाइव जाएंगे, जहारा की किताब के बारे में बात करेंगे और आप इसमें से अपनी पसंदीदा गजल सुनाएंगे। अच्छा, तो इस सारे सिलसिले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब चाहरा की बुक की पब्लिसिटी हो जाएगी, तुम्हें मजीद लाइक्स मिल जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? आपको पता है क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हमारा साथ। ये भी अच्छा है। चले आ जाए। आधे समोसे के साथ सारी चटनी खा गया। हाँ तो चटनी समोसे के साथ खाने के लिए होती है ना, और आ जाएगी तो ले आना। और कि तुम लोगों को चटनी और समोसे की पड़ी हुई है, किसी को मेरा ख्याल है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। आला, मैं उसना को खुद जहारा बाजी की अम्मी के साथ बैठा छोड़ के आया हूँ, वो खुद आ जाएंगे छोड़ने के लिए। तुम्हारे खालू ने मुझे जान से मार देंगे, तुम ये बताओ मैं क्या करूँ? खाला कोई ऐसी बात नहीं है, आजकल इसको वो स्लीप ओवर बोलते हैं, सारी लड़कियां इकट्ठी होके एक लड़की के यहाँ रात गुजारती है, उसना तो वैसे भी अभी आ जाएगी। हाँ तो मैं समझा लेना अपने खालू को भी, मैं तो जा रही हूँ भाई सोने, मैं तो वैसे शाम से बहुत सर में दर्द है, ये मनूस मारी ये होम्योपैथिक वाली दवा तो मुझे असर ही नहीं करती। खालू को मैं खुद समझा दूंगा, लेकिन आप हुस्ना को कुछ ना कहिएगा, वरना उसको भी वो आ जाएगा। वो पैनिक अटैक। पैनिक अटैक। पागल वागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? माँ खराब हो गए, खाओ समोसे खुद, मैं जा रही हूँ सोने। अच्छा सुनो, ये डीजल के समोसे खिला दिए, साथ चाय तो दे दो। मैंने कहा ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, जिसको शौक हो रहा है ना वो खुद ही बनाकर पी आए। हेलो मैडम, नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके ब्लॉग वगैरह की मैं मजीद किस्त नहीं छाप सकता। क्या मतलब है आपका? अभी कल ही तो आपने महीने भर की बात की थी। तब तक मेरी जानों खतरा नहीं था ना जी, आपने बड़े ही खतरनाक लोगों पर हाथ डाल दिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। मगर Thank you.
अब बाकी साहब घटिया तो आप हैं, लेकिन इतने घटिया होंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। यार बात यह है कि हम तो उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, अब हमें क्या मालूम था वो आधी ही हो जाएंगी। आफाकी साहब, दुखी रूह है वो दुखी रूह, चल परी, इनकी किस्त पड़ी आपने। अब आप बताइए, पैनी साहिबा के साथ ऐसे खानदान में क्या होता होगा। यही दुख दर्द तो दूर करने की कोशिश कर रहे थे, और पैसा तो आपकी कमजोरी है ही है। बहरहाल वो बहुत ज्यादा आदि हो चुकी हैं, उन्हें इस बीमारी से निकालना है, इलाज करवाना है उनका। निकलती तो खैर नहीं वो अब इससे, आप उन्हें इस फ्लैट से निकालने की कोशिश कीजिए। आज फायरिंग हुई है, कल मार्टर का गोला आएगा और परसों एटम बम। ये खातून अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर बर्बाद करेंगी इस मुल्क को, मिल्लत के हम जैसों को। आइए आइए आइए। चाय पियेंगी? नहीं। एडिटर का फोन आया था, कह रहा था कि मजीद किस्तें नहीं छाप सकता। मना कर दिया? क्यों, क्या वजह हुई? क्या वजह हो सकती है, जुल्फिकार ने फोन करके धमकाया होगा और ये बुजदल डर गया। अरे दफा कीजिए उसे, कोई नई वेबसाइट देखते हैं। आप रोशनी वालों को फोन करें, आजाद वालों को करें। वाह, हो जाएगा। हेलो, हाँ रशीद, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ ये पैनी से बात करो भाई, ये लो। हैं? सिलसिला मुनक़ता कर दिया। जुनेद को मिला तुमने? हेलो, हाँ जुनेद मियाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन? शहरियार। खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत। पैनी साहिबा से बात करें। पैनी, यहाँ पर भी सिलसिला मुनक़ता कर दिया। क्या हाल है जफर? ठीक ठाक। शहरयार बात कर रहा हूँ यार, पैनी साहिबा बात करना चाह रही है अपने ब्लॉग के सिलसिले में, ये लो बात करो। यार किस पागल औरत को मेरे साथ डालना है, बंद कर फोन, बात नहीं करनी मैंने इससे।